असुर लोक वासियों सावधान, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। भगवान हिरण्यकश्यपु ने घोषणा की है कि इस बार भी मदनोत्सव हर बार की भांति बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान हिरण्यकश्यपु सदैव की भांति अपनी समस्त प्रजा के लिए मांस मदिरा नृत्यादि की व्यवस्था करेंगे, परंतु इस बार मदनोत्सव का विशेष आकर्षण होगा भगवान की छोटी बहन कामरूप देश की महारानी सिंहिका की ओर से उन्हें अग्निदेव के दिए हुए वरदान का महान प्रदर्शन। महारानी सिंहिका राजकुमार प्रह्लाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करेंगी। सारे असुर समुदाय का इस उत्सव में स्वागत है। आहा, ये तो चमत्कार होगा। इस बार मदन उत्सव का आनंद ही कुछ और होगा। ये कैसा उत्सव है कमलनयन? मांस मदिरा हुड़दंग, क्या इसे उत्सव कहते हैं? नहीं महादेवी, इसे उत्सव नहीं, आप असुर संस्कृति के असभ्य प्रदर्शन का नाम दीजिए। उत्सव तो नाम है आनंद की पवित्र भावना का। उत्सव नाम है ऋतुओं के आगमन का। जब प्यासी धरती पर वर्षा की पहली फुहार गिरती है और माटी से सोंधी सोंधी सुगंध उमड़ती है, तब उत्सव मनाया जाता है कि अब धरती की प्यास मिटी, अब खेती लहराएगी, हरियाली नाच उठेगी। जब माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूटती हैं, तब उत्सव मनाया जाता है कि शरीर को कपकपाने वाली शरद ऋतु से पीछा छूटा। जब धूप भली लगने लगती है और समीर का झोंका मन में आह्लाद निर्माण करता है, तब उत्सव मनाया जाता है महादेवी, कि झुलसाने वाली ग्रीष्म ऋतु का अंत हो गया। यही तो मैं भी कहती हूँ कमलनयन, उत्सव वो है जो आत्मा को शांति दे, जो सारे नगर का जीवन अस्त व्यस्त कर दे, जिसमें मदिरा पीकर सब अपनी सुध-बुध खो बैठे, वो उत्सव नहीं कोरा हुड़दंग है। परंतु मुझे सिंहिका की चालों से चिंता हो रही है, वो मेरे पुत्र को लेकर अग्नि में प्रवेश करना चाहती है। मैं जानती हूँ कि उसके मन में क्या है। परंतु आपके पुत्र के चेहरे पर तो कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ती। उसने तो अपनी सारी चिंताएं आप पर छोड़ दी हैं। तो आप भी अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दीजिए ना महादेवी। क्या हुआ भाभी श्री? मुझे बहुत चिंता हो रही है सिंहिका। किस बात की चिंता? तुम मेरे पुत्र को लेकर अग्नि में प्रवेश करोगी? तो क्या हुआ, मैं तो अग्नि में पहले भी प्रवेश कर चुकी हूँ और आप देख चुकी हैं कि अग्नि की लपटें मेरे शरीर को छू भी न सकी। तुम्हारी बात और है, अग्नि देव ने तुम्हें वरदान दिया है, फिर तब तुमने अकेले ही अग्नि में प्रवेश किया था। इस बार मेरा पुत्र प्रहलाद भी तुम्हारे साथ होगा। तो क्या हुआ? अग्नि देव ने तुम्हें वरदान दिया है, मेरे पुत्र को तो नहीं? अरे भाभी श्री, जब अग्नि मुझे नहीं छू सकेगी तो जो मेरे साथ होगा उसे कैसे छू सकेगी? उसे कुछ नहीं होगा, तुम अकारण ही चिंता कर रही हो। तुमसे अधिक साहसी तो तुम्हारा पुत्र है, उसे तो कोई चिंता नहीं। वह तो बड़ी व्याकुलता से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है जब मैं उसे लेकर अग्नि में प्रवेश करूंगी। वो तो बच्चा है, वो बेचारा क्या जाने। वो उत्सुक है कि जो अवसर मृत्यु के पश्चात आता है उसे जीते जी देखने को मिल जाएगा। तुम उसकी चिंता छोड़ दो और जो होगा स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। नहीं, मैं नहीं देख सकूंगी। अपने पुत्र को अग्नि में प्रवेश करते हुए देखना मेरे वश की बात नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगी। तुम्हारी इच्छा। अच्छा, मुझे तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। माताश्री तुम्हें लेकर अग्नि में प्रवेश करने वाली है। मैं तो एक एक पल गिन रहा हूँ, शीघ्र आए वो घड़ी जब मैं वो चमत्कार देख सकूं। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो?
वो अशिकेति है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उनकी रक्षा में रहूंगा। और तुम्हें विश्वास है कि ऐसा ही होगा? हाँ, अग्निदेव का वरदान है उन्हें। पर तुम्हें तो नहीं है, तुम्हें कोई चिंता नहीं? मैं तो इतना जानता हूँ कि वही होगा जो मेरे विष्णु की इच्छा है, फिर मैं चिंता क्यों करूं? इतना विश्वास है तुम्हें अपने विष्णु पर? इससे भी अधिक। क्या उन्होंने तुम्हें कोई शक्ति प्रदान की है? उन पर अटूट विश्वास ही तो मेरी शक्ति है। जो भी तुम्हारे विष्णु पर अटूट विश्वास रखेगा, क्या उसे शक्ति प्राप्त होगी? अवश्य भ्रातश्री, संसार में तो सारा खेल विश्वास ही का है, विश्वास ही तो शक्ति देता है। मुझे भी दे सकता है? हाँ हाँ, तुम्हें भी दे सकता है। यदि ऐसा है तो मुझे भी अपने विष्णु पर विश्वास करना सिखा। पुत्र प्रहलाद, तुम तैयार हो? हाँ बुआ श्री, मैं कब से तैयार खड़ा हूँ, चलिए। चलो पुत्र। किंतु तुम्हारी माताश्री तो आ ही नहीं रही। क्यों? उन्हें भय लग रहा है। भय? किस बात का भय? उन्हें अग्निदेव के वरदान पर विश्वास नहीं है? मैंने भी उनसे यही कहा, किंतु उनका ये भय दूर ही नहीं हो रहा। मैं उनके पास जाऊंगा, मैं उन्हें लेकर ही आऊंगा। हमारी बात बीच में रहेगी भ्रातश्री, मैं उस शक्ति के विषय में इस प्रदर्शनी के बाद ही बताऊंगा। अच्छा अनुज। इस प्रदर्शनी के पश्चात तुम्हें किसी से कुछ भी कहने का अवसर नहीं मिलेगा। वाशी कह रही थी कि तुम प्रदर्शनी में नहीं आओगी। हाँ पुत्र, वो सत्य कह रही थी। परंतु क्यों? मुझे बहुत भय लग रहा है। भय? तुम एक साहसी पुत्र की साहसी माता हो ना? केवल माता हो पुत्र, और कौन माता अपने पुत्र को आग की लपटों में घिरा देखेगी? और तू भी तो मूर्ख है, तेरी जिस बुआ ने तुझे सर्पकुंड भेजकर मरवाना चाहा था, उस पर फिर विश्वास कर लिया तूने? मुझे बुआश्री पर नहीं, अपने वासुदेव पर विश्वास है। आप क्यों नहीं मेरे विष्णु पर विश्वास करती? करती हूँ पुत्र, करना चाहती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन पर अब तक जितने प्रहार हुए उन सब से तुम बच निकले, परंतु पुत्र तुम्हारे विरोधी बहुत ही शक्तिशाली हैं। मेरे विष्णु उनसे अधिक शक्तिशाली हैं, वह सदैव मेरी रक्षा करेंगे। पुत्र, ममता की भावना को तुम नहीं समझ सकते, सब कुछ समझते हुए भी मेरी ममता के पांव डगमगा जाते हैं। यह भय पीछा नहीं छोड़ता कि यदि इस बार तुम न बच पाए तो क्या होगा, मैं क्या करूंगी पुत्र? जब ये ध्यान आता है तो मेरी शक्ति टूट जाती है, मैं क्या करूं पुत्र? कहां से लाऊं मैं तुम्हारे जैसी शक्ति? जैसा अटूट विश्वास है मुझे अपने विष्णु पर, वैसा ही अटूट विश्वास आप भी जगा लीजिए, मेरी जैसी शक्ति आपको मिल जाएगी। अब बताइए, आप आएंगे ना चमत्कार देखने? पुत्र, आपको मेरी सौगंध, आपको आना ही पड़ेगा। पुत्र, पुत्र,
अत्यंत घातक। वो दुष्ट प्रहलाद दिन प्रतिदिन मेरे लिए घातक होता जा रहा है सिंगिका। आज तो मुझे भी विश्वास हो गया कि यदि प्रहलाद जीवित रहा तो मुझे भी अपने पुत्र आलाद से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे प्रहलाद से उसकी बातचीत सुनकर भय लग रहा है भ्राताश्री, कि जिस प्रकार प्रहलाद आपसे विद्रोह कर रहा है, कहीं एक दिन उसी प्रकार मेरा आलाद मुझसे विद्रोह न कर बैठे। इसीलिए मैं उस दुष्ट के जीवन का अंत करना चाहता हूँ सिंगिका, क्योंकि यदि वो जीवित रहा तो दिन प्रतिदिन मेरे विरोधियों की संख्या बढ़ती जाएगी। और जो हमारे विरोधी होंगे वे हमारे भ्रातृषि हिरण्याक्ष के हत्यारे विष्णु के प्रशंसक हो जाएंगे। मुझे तो यह भी आशंका हो रही है भ्रातृषि, कि कहीं प्रहलाद मेरे पुत्र आह्लाद को विष्णु के प्रेम जाल में फांस न ले। भ्रातृषि, मैं तो यही देखकर सहर उठी थी कि मेरा पुत्र प्रहलाद की बातों से प्रभावित हो रहा है। जानता हूं बहन, भली भांति जानता हूं। उस दुष्ट की वाणी बहुत सुंदर है, वो अपनी मीठी मीठी बातों से किसी को भी बहका सकता है। इसीलिए उसका अंत आवश्यक है, इसीलिए उसका अंत अत्यंत आवश्यक है। मैं आपसे सहमत हूं भ्राताश्री, विश्वास कीजिए अग्नि के इस खेल से वो जीवित बाहर नहीं आएगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है सिंगिका, किंतु यदि वो जीवित रहा तो मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा भ्राताश्री, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हे कमलनयन, सुना आपने पुत्र प्रहलाद ने अपनी माता से क्या कहा? वो कह रहा है कि भक्ति की भावना ही सबसे श्रेष्ठ है, ममता की भावना उसके आगे कुछ भी नहीं। कुछ बहुत अनुचित बात तो नहीं कर रहा आपका पुत्र महादेवी? आप तो इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि सृष्टि में ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त बाकी सब कुछ माया है। मोह माया में फंसना अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को भूलने के समान है, और जीवन का तो यही लक्ष्य है महादेवी कि अपने भीतर छिपी हुई ईश्वरी शक्ति को ढूंढकर बाहर निकालना, अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर को ढूंढना। मोह तो भ्रमित करता है महादेवी और फिर भटकाता है, फिर वो मोह चाहे धन का हो या संतान का। परंतु हे दया सागर, माता और पुत्र का स्नेह तो आपकी दी हुई सुंदर देन है। अवश्य है महादेवी, परंतु कोई भी स्नेह अधिक महान नहीं होता। जीवन का तो वास्तविक उद्देश्य ही है कि ईश्वर के प्रेम में अहम को भूल जाना, क्योंकि ईश्वर से प्रेम हर प्रेम का स्रोत होता है। जिस प्रकार मरुस्थल की रेत दूर से जल के समान चमकती है, परंतु निकट जाकर ही यह ज्ञात होता है कि वो तो सूखी रेत है, जल नहीं, उसी प्रकार हर मोह निकट से केवल एक भ्रम सिद्ध होता है महादेवी। ईश्वर से प्रेम ही जीवन के उद्धार का कारण होता है। आपका पुत्र कयाधु की ममता से अपना मुंह नहीं मोड़ रहा महादेवी, वो तो केवल ममता की धारा को भक्ति की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भक्ति में ही शक्ति होती है। लीजिए, आपके पुत्र की परीक्षा की घड़ी आ गई। Thank you.
आज के उत्सव का महानतम आकर्षण महारानी सिंहिका पधार रही है। प्रणाम भ्राताश्री। कहाँ है वो दुष्ट मेरा बैरी मेरा विरोधी? भाभी श्री को लेने गया है, वह इस उत्सव में आना ही नहीं चाहती थी, परंतु प्रहलाद चाहता है कि उसकी माता भी इस अनुपम दृश्य को देखे, अभी उन्हें लेकर आता ही होगा। सिंगिका, उसकी मृत्यु अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। इस बार वो बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा भ्राताश्री, आज आप अग्नि की लपटों का अद्भुत खेल देखेंगे। वही अग्नि जो मेरे शरीर को छू भी ना पाएगी, देखते ही देखते उसकी लपलपाती जीभ प्रहलाद के शरीर को चाट जाएगी। कुछ ही पलों में उसकी कोमल काया को वो राख में परिवर्तित कर देगी और वायु के झोंके उस राख को उड़ा ले जाएंगे। महारानी का याद हो, युवराज आह्लाद और राजकुमार प्रहलाद पधार रहे हैं। माती, मैं आपके चरण छूकर संसार के मातृत्व के चरण छू रहा हूँ। संसार की सारी माताएं पूज्य है, मुझे आशीर्वाद दीजिए माते। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। चिरंजीवी भव पुत्र। चलो पुत्र। वो घड़ी आ ही गई पुत्र, जिसकी तुम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरे भी जीवन की अनमोल घड़ी, तुम्हारे जीवन की अद्भुत घड़ी पुत्र। जो भी इस चमत्कार को देखेगा भूल नहीं पाएगा, और जो भी इस चमत्कार की चर्चा सुनेगा सिहर उठेगा। रहते महाप्रलय तक आज की इस प्रदर्शनी की चर्चा रहेगी। चलो पुत्र। पाप नहीं फलता कभी, यही जगत की रीत। पुण्य के पथ पर जो चले सदा उसी की जीत। जिसके मन ईश्वर बसे आँच न उस पर आए,
जग बैरी हो जाए पर उसको मार न पाए, उसको मार न भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वेश्वर, सर्वेश्वर, नारायण नारायण। हे देवर्षि, पुत्र प्रहलाद अग्नि में प्रवेश करने जा रहा है। ये देखकर मैं आपके नारायण को सावधान करने गई तो वो स्वयं अग्नि में तप रहे हैं, मानो उनके शरीर से ज्वालाएं निकल रही हैं। आप बहुत दयालु हैं माते, ममता का भंडार हैं। प्रहलाद के स्नेह ने तो आपको सब कुछ भुला दिया। क्या भुला दिया? यही माते, कि इस अवस्था में आपको इन्हें छूना नहीं चाहिए था। आपको तो याद ही होगा माते, इसी प्रकार इसी अवस्था में एक बार कयाधु ने पुत्र प्रहलाद को छू लिया था, उसके तो हाथ भी जल गए थे। हाँ, मैं तो सचमुच व्याकुलता में भूल ही गई थी। माते, पुत्र प्रहलाद को जो मैंने योग ज्ञान दिया था वह मेरे नारायण की ही तो देन थी। जब उसे इस अवस्था में कोई नहीं छू सकता तो मेरे नारायण तो योगेश्वर हैं, योग का स्रोत है, योग का आधार है, योग के आदि और अंत हैं, स्वयं योग हैं। इस अवस्था में तो आपके अतिरिक्त उनके कोई निकट भी नहीं पहुंच सकता। परंतु हे देवर्षि, मैं तो इनको प्रहलाद पर आए संकट के विषय में बताना चाहती थी। वही समस्या लेकर तो मैं भी आया था माते, मैं भी यही बताना चाहता था। परंतु नारायण को इस अवस्था में देखकर लगता है कि मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। माते, मेरी तो सारी शंकाएं मिट गईं। नारायण नारायण। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है? कैसा भय बुआश्री, मुझे तो आनंद आ रहा है। जैसे जैसे लपटे मेरी और बढ़ रही है, मुझे विचित्र सी शीतलता का अनुभव हो रहा है। लग रहा है जैसे शीतल जल की लहरें मेरे शरीर को छू रही हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बचाओ, मैं जल रही हूँ, बचाओ मुझे।
सिंगिका, सिंगिका, सिंगिका। प्रहलाद, श्री, प्रहलाद के विष्णु ने मुझे भस्म कर दिया। किंतु ये कैसे हुआ? तुम्हें तो अग्निदेव ने वरदान दिया था, ये कैसे हो गया? प्रहलाद की मायावी शक्तियों ने अग्निदेव के वरदान को मात दे दी। किसके मंत्र की शक्ति के आगे वरदान की शक्ति छीन हो गई? प्रकोप से बच नहीं सकता। सुना तूने?